हेलो एवरीवन, जेई एडवांस पीवाईक्यू क्वेश्चन नंबर 2 में स्वागत है। ये वाला थियोरेटिकल क्वेश्चन है, 2003 का है, कुछ भी नहीं करना है। ड्यूरिंग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इन ए सॉल्यूशन द फॉलोइंग आर इन इक्विलिब्रियम। तो भाई वो वाला ग्राफ जो एनसीईआरटी में बना है वो सबको याद होना चाहिए। तो ये जो ग्राफ होता है वो किसको दर्शाता है, ये जो ग्राफ थे वो किसको दर्शाता था? ये सारा कुछ सॉल्वेंट के लिए होता है। सॉल्यूट तो भाई नॉन वोलाटाइल और ऐसा मानते हैं ना अपन कि वो तो कुछ कर ही नहीं सकता है। तो हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट चेंज होता है। अगर सॉल्वेंट पानी है तो पानी का बोलते थे 0 डिग्री की जगह फ्रीजिंग पॉइंट -3 हो गया है, -3 में अब वो सॉलिड बनेगा। तो दोनों कुछ किसके डिपेंड करता है? सॉल्वेंट पे। सॉलिड सॉल्वेंट बनता है, पानी का ही आइस बनेगा और पानी लिक्विड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो ये एक्सट्रीमली थियोरेटिकल क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं करना था। ओके, बाय एवरीवन।